गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, हम एक इमेजिनरी प्लेन ड्रा करते हैं किसी मॉलिक्यूल के बीच में से, और जो इमेजिनरी प्लेन होता है वो जो कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। और जो 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 टू इक्वल हाफ्स होते हैं, अगर वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो मीन्स उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल हमारे पास वहाँ पर कायरल ना होकर एक कायरल है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो सुपर इम्पोजिबिलिटी होती है ऑन इट्स मिरर इमेज, दिस सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स मिरर इमेज कैन बी चेक विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री एलिमेंट की हेल्प से हम उसको चेक कर सकते हैं। हम सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ए कायरल मॉलिक्यूल हैज नो सिमेट्री एलिमेंट। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल हैज नो सिमेट्री एलिमेंट। ऑन द अदर हैंड, ए कायरल मॉलिक्यूल हैज वन और मोर सिमेट्री एलिमेंट। कायरल मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता, लेकिन जो एक कायरल मॉलिक्यूल होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। और जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, इमेजिनरी प्लेन होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ, इफ ए इमेजिनरी प्लेन ड्रा इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है और एन ऑब्जेक्ट, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एंड इट डिवाइड इट इंटू टू इक्वल हाफ्स। दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। That are mirror image of each other. So there is presence of plane of symmetry. Plane of symmetry हो गया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास कोई एक सर्कल है, सो दिस वन इज ए सर्कल। अगर मैं इसमें यहाँ पे एक प्लेन ड्रा करता हूँ, इमेजिनरी प्लेन मैंने ड्रा किया, तो जो ये इक्वल हाफ है, ये इक्वल हाफ, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। ऐसे अगर मेरे पास सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन ड्रा किया, इसका मैं आप मेंशन कर रहा हूं इमेजिनरी प्लेन, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जो बाइसेक्ट करने के बाद जो इक्वल हाफ्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इंपोज कर रहे हैं, फिर जाल दूसरी सुपर इंपोज। सो दिस वन इज कायरल, ए कायरल, एंड दिस वन इज ए कायरल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ए कायरल है। हम किसी भी मॉलिक्यूल की जो सुपर इम्पोजिबिलिटी और इट्स मिरर इमेज प्रेडिक्ट करते हैं, हम उसके लिए हम सिमेट्री एलिमेंट की हेल्प लेते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम उसमें डिस्कशन कर रहे हैं, और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये तो हमारे पास सिंपल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, कि मैंने ऑब्जेक्ट की बात की है, हमारे पास अगर कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उस केस में। अब हम बात करते हैं हमारे पास
एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स में हम जो उस मिट्री, अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ, टू क्लोरोब्यूटेन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। टू क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है? CH3 कार्बन 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 मिथित प्रोब्यूट, टू पे क्या क्लोरीन है CH2। ये मेरे पास क्या, टू क्लोरोब्यूटेन। अब मुझे इसमें प्रेडिक्ट करना है कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ इस तरह से। सपोज करो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन और मिथित प्रोब्यूट, टू क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पे ये सपोज करो CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 है। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर प्लेन ड्रा करता हूँ, सपोज करो मैंने एक इमेजिनरी प्लेन ड्रा किया, इमेजिनरी प्लेन ड्रा करने के बाद जो दो इक्वल हाफ्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वल हाफ्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो हमारे पास एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा सिग्मा प्लेन, और हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन कि अगर इक्वल हाफ एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इस वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर इक्वल हाफ एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। तो दिस वन इज, ये क्या, ये किस तरह से होगा, कायरल। दिस वन इज टू क्लोरोब्यूटेन। सपोज करो मैं टू क्लोरोप्रोपेन की बात करता हूँ, CH3 CH Cl CH3। सेम मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, हाइड्रोजन क्लोरीन CH3। और अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन ड्रा करता हूँ तो दोनों इक्वल आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट ईच अदर। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है। सो दिस वन इज ए कायरल मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, कैसा है, यहां पे ए कायरल मॉलिक्यूल है। ऐसे मैं टार्टरिक एसिड की बात करता हूं, हाइड्रोजन OH COOH हाइड्रोजन OH। वैसे तो क्या है, अगर मैं इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन मार रहा हूँ 1 2 3 और दिस वन इज एन ए ग्रुप, ये जो ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के 4 डिफरेंट ग्रुप है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सिमेट्री है और डालता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक प्लेन डाला इमेजिनरी प्लेन, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो दिस वन मॉलिक्यूल इज ए कायरल, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे किस तरह का एलिमेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पे। तो जो हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल के हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है और ए कायरल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं यहाँ पे एक मेंशन करना चाहता हूँ, कायरल मॉलिक्यूल कायरल ऑप्टिकली एक्टिव एंड ए कायरल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ए कायरल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमारे पास हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात की, इसके बाद हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या है कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं और हमें सेम ग्रुप मिल रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं। मीन्स कोई एक ऐसा सेंटर जहाँ से मॉलिक्यूल कम्प्लीटली इन्वर्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ, सपोज कर रही है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इससे इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ मुझे सेम एंड मिल रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ मुझे सेम एंड मिल रहा है। सेम मेरे पास, सपोज करो ये मेरे पास है, ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर हो गया। अगर मैं इस सेंटर से इस साइड मूव कर रहा हूँ, इस साइड रेड एंड है, इस साइड वाइट एंड है,
तो मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसके केस में यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। डस्टर की अगर मैं बात करता हूँ, डस्टर केस में क्या मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हमें डिसाइड हो स्टडी करना है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी आई से। आई मीन्स इन्वर्जन और सी होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री। हमें बात करनी है सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम सी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ए पॉइंट और ए लाइन। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ए पॉइंट और ए लाइन फ्रॉम विच इफ वी ड्रा ए लाइन एंड वी गेट सेम ग्रुप्स मॉलिक्यूल्स देन देयर इज सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ, उसको हम देखते हैं कि कैसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे। सपोज करो मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे CWH एंड हेयर इज हाइड्रोजन एंड हेयर इज हाइड्रोजन OH। एक मेरे पास मॉलिक्यूल ये है और एक मेरे पास मॉलिक्यूल ये है जिसमें साइक्लोब्यूटेन। CH3H HCH3। मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल है और मुझे चेक करना है कि इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। सपोज करो ये कोई पॉइंट है, इससे मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मुझे एसिड मिल रहा है। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, एसिड मिल रहा है। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, OH मिल रहा है। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, OH मिल रहा हूँ। इधर हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन। तो इज ए पॉइंट ए सेंटर ऑफ सिमेट्री सी इज ए पॉइंट और ए लाइन फ्रॉम विच इफ वी ड्रा ए लाइन। अगर हमें कोई ड्रा कर रहे हैं, वी गेट सेम ग्रुप, हमें सेम ग्रुप मिल रहा है, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर कहीं पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, देन मॉलिक्यूल इज ए कायरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। सेम यहाँ पे मेरे पास सेंटर है, मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, सेम ग्रुप। इस डायरेक्शन में भी सेम ग्रुप मूव कर रहा है, मुझे वहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मुझे मिथाइल मिल रहा है, और इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह से है, जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर इस तरह से है, ठीक है। जो हाइड्रोजन यहाँ पर अबव लिख रहा है वो इस तरह से है, और जो हाइड्रोजन है ये डाउनवर्ड साइड है। जो हाइड्रोजन है वो डाउनवर्ड साइड है, मीन्स वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मिथाइल मिल रहा है। इस साइड मूव कर रहा हूँ हाइड्रोजन, और इस साइड मूव कर रहा हूँ हाइड्रोजन। तो इन दोनों में क्या है, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री को आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा मैं इसको और ईजी वे में अगर समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इस तरह से है, एक मिथाइल ये रेड है और एक ये इस तरह से है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा होगा, ये मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, ठीक है। एक मिथाइल इधर है, मिथाइल इधर है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इधर मिथाइल है, इधर भी ये मिथाइल है, ये मुझे दिख रहा है,
ये हाइड्रोजन है, इधर ये हाइड्रोजन, मीन्स मैं अगर इस डायरेक्शन में मूव करूँ, इस डायरेक्शन में मूव करूँ, मुझे सेम एलिमेंट मिल रहे हैं। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ नीचे मिथाइल मिल रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ ऊपर मुझे मिथाइल मिल रहा है। सेम यहाँ पे क्या था, इस डायरेक्शन में मूव किया एस्टिक एसिड मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव किया एस्टिक एसिड मिल रहा है। मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के बाद अगर मैं कोई लाइन ड्रा करूँ और मुझे सेम ग्रुप मिल रहा है, देन देयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट। अगर वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है देन द मॉलिक्यूल इज कायरल, इफ देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट देन मॉलिक्यूल इज कायरल। तो ये हो गया यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे इस तरह से होता, सपोज करो यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है, मैं मिथाइल को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ, तब मुझे क्या सेम ग्रुप नहीं मिलेगा, तो मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा, कायरल हो जाएगा उस केस में। लेकिन अगर यहाँ पे मिथाइल सेम ग्रुप है देन मॉलिक्यूल इज ए कायरल। तो ये तो था सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री को सीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इज ए पॉइंट और ए लाइन फ्रॉम विच इफ वी ड्रा ए लाइन एंड वी गेट सेम ग्रुप मॉलिक्यूल्स देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है वहाँ पे मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूल इज कायरल। मैं यहाँ पे फर्दर मेंशन कर रहा हूँ, सो मॉलिक्यूल इज, तो मॉलिक्यूल उस केस में क्या होगा हमारे पास, सॉरी मॉलिक्यूल इज ए कायरल। मॉलिक्यूल कैसा होगा हमारे पास, वहाँ पे ए कायरल मॉलिक्यूल होगा, दिस वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। द नेक्स्ट टॉपिक इन द कंटिन्यूटी ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट वी डिस्कस प्लेन ऑफ सिमेट्री देन सेंटर ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री में क्या, ए मॉलिक्यूल, ये मैंने यहाँ पर पहले ऑलरेडी ड्रा किया है, ए मॉलिक्यूल इज सेट टू पोजेस एन एनफोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ए मॉलिक्यूल इज सेट टू बी पोजेस एन एनफोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ द रोटेशन अबाउट 360 बाय एन, इफ द रोटेशन अबाउट 360 बाय एन, इफ द रोटेशन अबाउट 360 बाय एन and the plane and the reflection plane through the perpendicular to the axis gives the molecule which is indistinguishable from the original molecule, which is indistinguishable from the original molecule है क्या एक्चुअल में। अगर आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट क्या है, कि किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट वो होता है जब हम उसको 360 डिग्री बाय एन से रोटेशन देते हैं, रोटेशन देने के बाद हमें प्लेन ड्रा करते हैं, रिफ्लेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ए बी। मैंने इसके यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन प्लेन लगाया जो ए बी है, इसके परपेंडिकुलर लगाना है, इसके पैरेलल नहीं लगाना है, इसके परपेंडिकुलर लगाना है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ए बी गिव्स ए मॉलिक्यूल, इसने मॉलिक्यूल दिया यहाँ पे, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, gives a molecules which is indistinguishable from the original molecule। ये हमारे पास original molecule है, अगर वो उससे indistinguishable है तब वहाँ पर क्या element of symmetry present है। अगर वो एक दूसरे को same कर रहे हैं तब वहाँ पर जो जो element of symmetry है वहाँ पर present नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये molecule, चलो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल की, हम इसके एग्जाम्पल की बात कर ही रहे हैं, जब भी अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आ गया होगा कि 360 बाय एन, एन क्या वहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम, यहाँ पे हम साइक्लोब्यूटेन को डिस्कशन कर रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री है, सॉरी बॉन्ड एंगल का 90 डिग्री है, और साइक्लोब्यूटेन नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 360 डिवाइडेड बाय 4, तो हमने इसको क्या किया, मैंने इसको 90 डिग्री से रोटेट किया, रोटेट थ्रो 90 डिग्री, जब 90 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ मीन्स ये बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री है, मैंने इसको रोटेट किया, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे, बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, सिर्फ ए की जगह बी आया है और बी नीचे चला गया, तो मिस क्या होगा, वन की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और टू थ्री की जगह आ जाएगा, वन हेयर देन टू थ्री, थ्री टू से रिप्लेस हो गया, थ्री फोर से, थ्री टू सॉरी
जो टू है वो वन से रिप्लेस हो जाएगा, थ्री टू से रिप्लेस हो जाएगा, फोर थ्री से रिप्लेस हो जाएगा, और जो वन है वो फोर से रिप्लेस हो जाएगा, वन टू थ्री फोर। उसके बाद मैंने एक इसमें परपेंडिकुलर प्लेन ड्रा किया है इस तरह से, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन प्लेन लगाया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्लेन मैंने यहाँ पे लगा दिया। परपेंडिकुलर प्लेन से क्या हो गया, जेड पॉजिटिव एच एच, जेड नेगेटिव एच, जेड नेगेटिव और जेड पॉजिटिव एच, जेड पॉजिटिव एच, क्या हो गया, एक दूसरे को उसने रिफ्लेक्शन किया। अब रिफ्लेक्शन करने के बाद अगर मैं बात करूँ सी मोलिक्यूल और जो ए मोलिक्यूल है वो दोनों एक दूसरे में सेम है, वो दोनों का एक दूसरे में वहाँ पे सेम है, तो मीन्स वहाँ पे क्या जो अल्टरनेटिंग एक्सियोसिमेट्री एलिमेंट के वहाँ पे वो प्रेजेंट है, अल्टरनेटिंग एक्सियोसिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसे होगा वहाँ पे, एक आयरल मॉलिक्यूल होगा, तो मॉलिक्यूल वहाँ पे कैसा होगा, एक आयरल मॉलिक्यूल। अल्टरनेटिंग एक्सियोसिमेट्री में क्या है कि हमें पहले उसको रोटेशन देनी है, रोटेशन देने के बाद हमें उसके जो उसका ए बी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रा करना है, और प्लेन ड्रा करने के बाद हमारे पास वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो मॉलिक्यूल है वो दोनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए, अगर वो एक दूसरे से अलग नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसे होगा, एक कायरल होगा, अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे होगा हमारे पास, वहाँ पे कायरल होगा, एक कायरल कायरलिटी की हम बात करते हैं। हमने तीन सिमिट्री एलिमेंट पर यहाँ पे डिस्कशन किया है, फर्स्ट वन इज द प्लेन ऑफ सिमिट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमिट्री एलिमेंट को हम वन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमिट्री बोलते हैं, वन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमिट्री मीन्स 360 को वन से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे 360 मिल रहा है, मीन्स हमें उसमें सिर्फ एक प्लेन ड्रा किया। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने 180 डिग्री, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की मैं बात करूं, मैंने कहा था कि हम अपोजिट हम मूव कर रहे थे, जैसे एक ग्रुप यहाँ पे ए था, एक यहाँ पे ए था, जब हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो मीन्स ये दोनों एक दूसरे क्या है 180 डिग्री है, तो 360 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2 गिव 180 डिग्री, दिस वन इज टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको हम बोलते हैं टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 मीन्स मैंने यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन केसेस में इसको 4 से डिवाइड किया, तो दिस वन इज द 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो इस मॉलिक्यूल में कैसी है, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कैसे वहाँ पे एक आयरल है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूँ, जब हमने अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की, वन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंड टू फोल्ड से अलग जितनी भी हमारे पास सिमेट्री है उनको हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानते हैं, मीन्स जो एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ए सफिशियंट कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी कायरल। किसी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उसमें अगर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, हमेशा कायरल होगा, और कायरल होने के साथ साथ मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो वैसे तो हम तीनों को भी चेक कर सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप चेक कर सकते हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री को आप चेक कर सकते हो, उसके साथ साथ आप अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी चेक कर सकते हो। अगर आपको तीनों नहीं चेक करनी तो आप ओनली अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को उसमें चेक करो, अगर आपको वो उसमें मिल रही है तो मॉलिक्यूल है कायरल है, अगर वो उसमें एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल क्या वहाँ पे ऐसा आपका है कायरल मॉलिक्यूल है। इसके बाद हमारे पास इसमें एक मॉलिक्यूल आता है एसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक एंड कायरलिक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक एंड कायरलिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एसिमेट्री डाइसिमेट्री कायरलिटी। मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ मैंने मॉलिक्यूल को क्या किया रोटेट किया तो मुझे मिलेगा क्या,
अगर मैं अगेन इसको मैं 80 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूल मुझे सेम मॉलिक्यूल दोबारा मिल जाएगा। मैंने इसको क्या किया, सिर्फ इस तरह से रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद ये हाइड्रोजन एक दूसरे की पोजीशन पे आ गए, सॉरी उसके बाद क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे के एंटी क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो उस केस में यहाँ पे OH OH H H, क्योंकि ये इस पोजीशन पे चला जाएगा, ये इस पोजीशन पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी एक दूसरे के एंटी हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। इस मिट्री में क्या होता है, जल्दी हमारे पास जो भी इस मिट्रिक मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, कोई भी इस मिट्री एलिमेंट नहीं होता, और इस मिट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे पास वहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, इस मिट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी रहते हैं इस मिट्रिक मॉलिक्यूल जो हमारे पास होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डाइसमेट्रिक की, कोई भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा वो कायरल होगा, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज कायरल, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डाइसिमेट्री है और वो मॉलिक्यूल हमारे पास वहाँ पे कायरल हो सकता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, लेकिन जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। हमारे पास कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं प्रेजेंट, और ना ही कोई इसमें अल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री है, मॉलिक्यूल विच हैज नो सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट और अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री, देन मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल क्या होगा वहाँ पे एसिमेट्रिक होगा इफ देर इज नो सिमेट्री एलिमेंट। मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होने के साथ साथ वहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। ए मॉलिक्यूल विच हैज नो अल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री बट मे और मे नॉट हैव एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके पास अल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री नहीं है लेकिन कोई दूसरी एक्सियल सिमेट्री हो सकती है, तब उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डाइसिमेट्रिक। और दोनों ही मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक एंड डाइसिमेट्रिक क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दोनों क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मैंने पहले भी कहा था हमारे पास कोई इस तरह का मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और वो एसिमेट्रिक होता है। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री नहीं है लेकिन कोई दूसरी सिमेट्री एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तब मॉलिक्यूल हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, वो डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमारे पास वहाँ पे होगा। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैन बी डाइसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैन बी डाइसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैन बी डाइसिमेट्रिक बट ए डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी एसिमेट्रिक। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया, जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैन बी डाइसिमेट्रिक बट ए डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एसिमेट्रिक, वो कैसे, अगर कोई एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है मीन्स उसमें कोई भी अल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो डाइसिमेट्रिक तो नेचुरली हो गया। और डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैसा है, उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट हो सकता है लेकिन अल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री एब्सेंट है, लेकिन कोई दूसरा एलिमेंट दूसरे सिमेट्री एलिमेंट हो सकता है मीन्स, तो एसिमेट्री वो हो ही नहीं सकता, तो एसिमेट्री तो होगा ही नहीं, क्योंकि एसिमेट्री की डेफिनेशन ही क्या है कि उसमें कोई भी देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नो अल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री देन मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं। एसिमेट्रिक डाइसिमेट्रिक के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है कायरलिटी, एसिमेट्रिक डाइसिमेट्रिक को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है कायरलिटी। कायरलिटी में होता क्या है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल। कायरलिटी मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हमें क्या देती है, कायरलिटी के बारे में डिस्कशन देती है। मॉलिक्यूल इज सेट टू बी कायरल इफ देयर इज इफ द मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के लिए अगर मैं बात करूं, सेम मैं मीजो टार्ट्रिक एसिड की बात करता हूँ, एच ओ एच, मॉलिक्यूल तो कैसा था, ये भी कायरल मॉलिक्यूल था क्योंकि क्या था, एसिमेट्रिक था, सॉरी यहाँ पे मैं मिरर प्लेन लगाता हूँ, एच एच ओ एच, एक दूसरे पे दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नहीं एक दूसरे पे दोनों क्या कर रहे हैं, सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर मैं इसको इस पे उठा के रख रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या ओ एच है, हेयर इज हाइड्रोजन एंड हेयर इज हाइड्रोक्सी एंड इन दैट केस हेयर इज ओ एच एंड हेयर इज हाइड्रोजन। अगर मैं इसको उठा के इस पे रखता हूँ तो दोनों कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल है,
नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो कैसे हैं? कायरल, ये कायरलिटी है, कायरलिटी और डाइसमेट्री के बीच, एसमेट्री, डाइसमेट्री और कायरलिटी के बीच में रिलेशनशिप है। एसमेट्रिक मॉलिक्यूल कैन बी डाइसमेट्रिक बट ए डाइसमेट्रिक मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एसमेट्रिक। एसमेट्रिक एंड डाइसमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर बोथ आर कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। और एसमेट्रिक डाइसमेट्रिक के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आती है कायरलिटी। कायरलिटी मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो एक दूसरे पे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर है तो मॉलिक्यूल कैसे होगा हमारे पास, वहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल होगा। तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये प्लेन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और कायरलिटी, कायरलिटी एंड सॉरी एसिमेट्रिक डाइसिमेट्रिक एंड कायरलिटी का रिलेशनशिप भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।